हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, चलिए आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी एग्जाम के बारे में। ये एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना जरूरी है, और आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि स्वेट पीजी का एग्जाम देना क्यों जरूरी है। सिर्फ हम यहाँ पर 5 ऐसे रीजन जानेंगे जो आपको बताएगा इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, राइट। तो कुछ ही देर का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला, तो देखो जरा क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है, इस एग्जाम के थ्रू यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन इन 197 प्लस यूनिवर्सिटीज। यानी कि ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आप जिसको देने से और जिसको क्वालिफाई करने से आप 197 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। सर कैसे इतना मौका दे रही है आपके पास? मतलब आप 197, आपका स्कोर बेटर है तो आपके पास ऑप्शन 197 प्लस यूनिवर्सिटीज ऑप्शन में रहेगी आपकी, कि हाँ जिसमें मर्जी हो उसमें एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो पहला रीजन, अपॉर्चुनिटीज टू गेट एडमिशन इन 197 प्लस यूनिवर्सिटीज। सेकंड रीजन, हम जानते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज। इस एग्जाम के थ्रू क्या हम टॉप यूनिवर्सिटीज ले सकते हैं? बिल्कुल। DU, BHU, JNU में जाने का आप सभी का सपना होता है, और वो इन इंस्टीट्यूट में, इन यूनिवर्सिटीज में, इन वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में आपको कौन सी एग्जाम पहुंचाती है, वो है इसका एक रास्ता क्या है, स्वेट पीजी के थ्रू जाता है। यानी कि आपको स्वेट पीजी का एग्जाम देना होगा और आप DU, BHU, JNU, जामिया इस्लामी और कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से, ठीक है। थर्ड, हम बात करें इजी एग्जाम पेपर एज कंपेयर टू IIT जैम, गेट बी एंड टिफर। एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो IIT जैम, गेट बी, टिफर, स्वेट पीजी और एम्स पीजी होता है। अब इन पांचों एग्जाम में से सबसे इजी पेपर किसी का आता है तो वो है स्वेट पीजी का। अब जैसे कि IIT जैम, गेट बी और टिफर की हम बात करें, इसके कंपेरिजन में इसका पेपर इजी इसलिए है क्योंकि इन तीनों एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाता है, यानी कि PCM पूछा जाएगा आपके IIT जैम, गेट बी और टिफर के अंदर। बट स्वेट पीजी के अंदर ये तीनों ही नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर क्या सब पूछा जाता है स्वेट पीजी के अंदर? आपका डोमेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, यानी कि आपने जिससे BSc किया है वही आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपने BSc जूलॉजी से की है तो स्वेट पीजी जूलॉजी के एग्जाम में सिर्फ जूलॉजी के क्वेश्चन आएंगे और किसी फील्ड के क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर बात करते हैं, यदि आपने BSc बॉटनी से किया है तो आपको सिर्फ स्वेट पीजी बॉटनी का एग्जाम देना जिसमें सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपने BSc माइक्रोबायोलॉजी से किया है तो सिर्फ और सिर्फ स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम देंगे तो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के ही क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने लाइफ साइंस में किया है तो सिर्फ लाइफ साइंस के क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने BSc बायोकेमिस्ट्री से किया है तो स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री के पेपर में सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इजी है, ठीक है। बाकी के एग्जाम में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पूछ रहे हैं, बट यहां पर वो सब नहीं पूछ रहे हैं। अगला पॉइंट जानते हैं, फिर बात आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। एक ऐसी एग्जाम का नाम बताओ एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम के बारे में कि सर जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीट्स हो ताकि हम जब उसको क्वालिफाई करें तो हमारे पास एक साल वेट ना करना पड़े सीट्स के लिए, या सीट्स खत्म हो गई, सीट्स का नंबर ऑफ सीट्स कम थी, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर सारी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के कंपेरिजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होती है, और मैं तो कहता हूं कि अदर देन स्वेट पीजी जितनी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है सबकी सीट कंबाइन कर दो, इसकी सीट फिर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 197 प्लस यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, तो इसमें सीट्स तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो ये फोर्थ पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, देयर विल बी नो जनरल एप्टीट्यूड इन योर क्वेश्चन पेपर। नो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन हियर इन द स्वेट पीजी एग्जाम, चाहे वो लाइफ साइंस का हुआ, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का हुआ, चाहे वो बॉटनी का हुआ, चाहे वो जूलॉजी का हुआ, लाइफ साइंस का या बायोकेमिस्ट्री का हुआ, कहीं पे भी आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं नजर आएंगे। हाँ, पहले 2023 2022 स्वेट पीजी का एग्जाम 2022 से स्टार्ट हुआ, इसके पहले ये सुसेट के नाम से जाना जाता था, बट 2022 और 2023 में एप्टीट्यूड सेक्शन आता था, बट अब वो भी बंद कर दिया गया है। तो नो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन
2024 में भी नहीं आया है, 2024 से बंद है जनरल एप्टीट्यूड आना। मतलब आपसे सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर फोकस रहकर बस उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो जनरल एप्टीट्यूड आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर कहां से पढ़े, इस एग्जाम को क्लियर तो आप करना जरूरी भी है, तो कहां से पढ़े, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को टारगेट करें, कैसे ये SOHPG के एग्जाम को क्वालिफाई करें ताकि हमारे पास भी ऑप्शन हो कि हम इन 197 प्लस यूनिवर्सिटीज में से कोई एक यूनिवर्सिटीज ले सकते हैं या फिर हम कई सारी ले सकते हैं, बट लेना तो एक ही एट द एंड, बट ऑप्शन तो सर मेरे पास ज्यादा हो, कम से कम मैं अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी ले पाऊं, तो उसके लिए आपके पास हम हैं, IFS है आपके साथ, ठीक है। हमने कई सारे एस्पायरेंट के एग्जाम क्वालिफाई करवाए, आपकी भी करवाएंगे, तो SOHPG लाइफ साइंस वाले डियर एस्पायरेंट सुन लीजिए, आपके लिए आ चुका है पूरा डेडिकेटेड SOHPG लाइफ साइंस को, क्योंकि जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले जितने भी है, ये सारे के सारे SOHPG लाइफ साइंस का एग्जाम तो देते ही देते हैं। SOHPG जूलॉजी वाले जूलॉजी का तो देंगे ही, बट साथ में लाइफ साइंस का भी देते हैं, और इसी वजह से हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेकर आए हैं एट जस्ट ₹2499, यूज द कूपन कोड MPSIR70, और ये कूपन कोड लगाओगे तब जाके आपको ये कोर्स मिलेगा 2499 में, और ये सारी चीज इसके साथ यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, टीचर हैंडआउट, PDF नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, PYQ इन टेस्ट फॉर्मेट, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, तो ये कई सारे फीचर्स आपको एक अकेले इसी कोर्स में देखने को मिलता है, क्योंकि SOHPG डेडिकेटेड कोर्स है गाइस, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, और गारंटी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ये वाला कोर्स आपको SOHPG लाइसेंस के डेडिकेटेड कोर्स प्रोवाइड कर दे, ठीक है, तो डेली बेसिस पर हम इसी चैनल पर आते हैं, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और ध्यान रखो हमारा जो नया डेडिकेटेड कोर्स आया है ये ब्रांड न्यू है, ठीक है, हमने दोबारा से इस कोर्स को पूरा रिकॉर्ड किया है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस, ताकि पूरा टारगेट हो सके 2022 के PYQ, 2023 के भी, 2024 के भी PYQ भी देखे हमने, पेपर एनालिसिस और अपकमिंग क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीजों का एनालिसिस किया कई, ठीक है, तो ये सारी चीज एनालिसिस करके हमने इस रिकॉर्डेड बैच को रिकॉर्ड किया है ताकि आपके सामने प्रेजेंट करें, और क्वेश्चन की सीरीज की भरमार लगाइए यहां पर, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम नहीं पड़ना चाहिए हमारे बच्चों को, ठीक है। तो यूज दी कूपन कोड MPSIR70, इससे बेस्ट कोर्स ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वैसे भी कोई प्रोवाइड करता नहीं है, और जो एक दो तीन वेबसाइट है जो लिखती है बस कि हमारे पास SOHPG का कोर्स है, बट इन डिटेल आप जब उनके बैच प्लानर के अंदर जाओगे तो आपको कहीं भी आपका टॉपिक दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप हमारे बैच प्लानर के अंदर जाइए, आप हमारा बैच का वो करिए, और आपको हर एक डेडिकेटेड दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए आपके पास अभी भी मौका है, जस्ट 2499 में गाइस, इतने कम में तो कुछ भी नहीं आता, बट स्टिल एक नॉमिनल फी हमने आपके लिए रखी है जस्ट ₹2499, यूज द कूपन कोड MPSIR70 एंड यू विल गेट दिस, ठीक है, इस कोर्स, ठीक है, और ये कोर्स नहीं है सिर्फ, ये आपका ड्रीम कोर्स है, राइट, तो ये ड्रीम कोर्स आप ले सकते हैं, और ये हमारा, ठीक है, रिजल्ट है IFS का, और कई सारे टॉपर्स है जिनको हम यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि सबको लाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपके लिए वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारे रिजल्ट सेक्शन में जाइए, विद देयर रोल नंबर आपको, विद देयर रैंक रोल नंबर आपको देखने को मिलेंगे कई सारे एस्पायरेंट, ठीक है एवरीवन। और बाकी सारी चीजों के लिए, जैसे कि आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस, हर एक चीज की रिक्वायरमेंट जो भी है वो सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। एक बार वेबसाइट तो विजिट करो IFSonline.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, और ध्यान रखिएगा SOHPG एग्जाम नेम सेलेक्ट करोगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी, आप लाइफ साइंस के बारे में जानना चाहते हो, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना एक और पॉइंट, इस एग्जाम का कोई कट ऑफ नहीं होता, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज अपना कट ऑफ डिसाइड करती है SOHPG का, ठीक है। चलिए, और उसके साथ साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ये iOS एंड Android डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा गाइस, आपने यदि YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब YouTube चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चलिए बाय बाय।